योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम सबके बीच में माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए ओबीसी मोर्चा थोड़ा कम समय में तुरंत मुख्य दे स्वागत करें महिला मोर्चा की। आज ऐतिहासिक पल, विभिन्न परियोजनाओं का माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, ऐसी अनेक गरीब कल्याण की योजनाओं को भी जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस को गरीबों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उनको लग रहा है अगर गरीबों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान हो गया तो ना कोई कांग्रेस को पूछेगा, ना कोई सपा को पूछेगा, ना कोई बसपा को पूछेगा। इस कारण से विरोधी घबराए हुए हैं और 2019 में गठबंधन और महागठबंधन की बात करते हैं। मेरा मानना है कि 2019 में कांग्रेस और सारे विरोधी जो भाजपा के हैं, मोदी जी के हैं, गठबंधन कर लेंगे तो भी जनता के साथ अब गठबंधन भाजपा का है, मोदी जी का है, गरीब के साथ गठबंधन भाजपा और मोदी जी का है। इसलिए 2019 की दूसरी पाली में उत्तर प्रदेश से 2014 से बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी मंत्री केजरी लाल के हसीन सपने कांग्रेसियों को देखने का मौका है। 11 तारीख तक मुख्यमंत्री 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगा खुशहाली का कमल खिलेगा। प्रकाश राजवंशी को सरकार में है, हमारे सहयोगी हैं, मंत्री हैं, उन्हें मित्र दल के धर्म का पालन करना चाहिए। जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं उस पर नहीं बोल। सावित्री फुले ने इस्तीफा दे दिया आपकी बीजेपी की सदस्यता से। बहुत लोग इस्तीफा देते, बहुत जाते आते रहे, तो उससे भाजपा की सेहत पे कोई फर्क नहीं। महाराज जी के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। धन्यवाद।